हो रहा है, ये एक तरफा कानून चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडा करती है। ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे, अगर कानूनी कार्रवाई करने आए तो दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर, और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है, जैसे जानवरों को भी अगर कोई नहीं पीटता होगा इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा जाता है। क्या थी हमारी धान मंडी की मस्जिद को आग लगा दी गई, और बाड़वाड़ी मोहल्ले में विशेष समुदाय के द्वारा बाड़वाड़ी मोहल्ले में हमला किया गया। उस समुदाय जिस मुस्लिम मोहल्ले के लोग तो बाहर हमला नहीं करने देते। एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब से हमारी बात हुई, और हमारी मांग यही है कि हमारे जितने भी बेगुनाह मुसलमान भाई जेल में बंद है उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और पुलिस प्रशासन द्वारा यह बात भी सामने आ रही है कि जेल में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उन लोगों ने कोई जुल्म तो किया नहीं है, कोई जुल्म तो खुलाना नहीं आपको, तो उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं आप लोग उनको गिरफ्तार करें, ठीक है, लेकिन उनको इतनी बुरी तरीके से जानवरों की तरह क्यों पीटा जा रहा है? आप लोगों का कानून का अधिकार है, आप बिल्कुल गिरफ्तार करें। मेरा नाम उज्मा शेख है।